कभी कभी हम किसी बस में ना अनजान आदमी के साथ खड़े होते हैं, सिंपली ना गाड़ी में खड़े होते हैं, हम नहीं जानते पास में कौन खड़ा है, ना उसके घर वालों को जानते हैं, उसको नहीं जानते हैं, कहाँ का है, क्या नाम है ना, किस धर्म का है, किस जाति का है, वी डोंट नो, बट फिर भी उसके साथ खड़े होकर हमें बड़ा अनकंफर्ट सा महसूस होता है, बड़ा असहज महसूस होता है, बुरा सा लगता है, भाई अब तो मिले नहीं उसे कभी। और कभी कभी ना एक ऐसे इंसान के साथ खड़े होते हैं बेटा, बड़ा अच्छा लगता है, कंफर्ट सा लगता है, अपने आप को बड़ा अच्छा सा महसूस करते हैं, भाई ऐसा क्या हो गया, दो आदमी है, दोनों अनजान है, मैं दोनों से कभी मिला नहीं हूं, दोनों से कभी बात नहीं हुई, दोनों के बारे में मैं जानता नहीं हूं, उसके पापा का क्या नाम मैं नहीं जानता, किस परिवार का है, किस खानदान का, किस गांव का, किस तहसील का, किस जिले का, किस स्टेट का, आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई डोंट नो कहां से आया, फिर भी हम क्यों एक इंसान के पास खड़े होकर सहज महसूस करते, एक इंसान के पास खड़े होकर असहज महसूस करते हैं, क्योंकि वो जिसके साथ आप खड़े होकर असहज महसूस करते हैं बेटा, वो शुरू से बेवकूफ रहा है और बेवकूफी उसके चेहरे में दिखने लग जाती है, गंदगी चेहरे में दिखने लग जाती है। हम जैसे रिएक्ट करते, जैसे हमारे एक सर थे पहले, हमें बीएससी एग्रीकल्चर में निमेटोलॉजी पढ़ा देते हो, निमेटोड, कुछ बच्चे जानते नहीं होंगे निमेटोड, तो ना बार बार यूं मुंह करते थे यूं कि निमेटोड ऐसे होते हैं, तो सर का जो मुंह था ना वो आगे से निमेटोड की तरह हो गया, उनको देखते पता लग जाता सर निमेटोलॉजी पढ़ाते हैं, निमेटोड की तरह, हकीकत बता रहा हूं मैं, आपने कभी मूवीज में ऐसे गुंडे से देखे होंगे तो सकल से गुंडे लगते हैं, उनका आना ही ऐसे लगता है जैसे कोई डरावना सा आ जाता है सीन, है ना, ऐसे ही उसके यहाँ चाकू का निशान है, यूं बिल्कुल मोटा सा तकला सा सकल से गुंडा लगता है, ऐसा नहीं था, लेकिन लगातार गुंडों का रोल कर करके कर करके कर करके कर करके उसकी बॉडी गुंडों जैसी बन गई। आप कभी किसी आईएएस की शक्ल देखना, गूगल सर्च मारना बेटा, या अभी मैं क्लास देता हूं उसके अंदर दिखाऊंगा आपको, उनकी शक्लें वो दिखने में आईएएस बन जाते हैं उनकी, वो ऐसे जनरली जन्म से नहीं होते, लेकिन वो लोग अच्छा कर करके, अच्छा कर करके, क्योंकि बॉडी आपके दिमाग के विचारों से चलती है, आप जैसा सोचते हैं ना बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। अगर आप किसी इंसान के साथ अनकंफर्ट है तो आपकी गलती नहीं है, वो अगला सही नहीं है, आप मान के चलना, उसके बारे में पता कर लेना चाहिए आप। और किसी इंसान के साथ आप खड़े होकर सहज महसूस कर रहे हैं बेटा, अच्छा लग रहा है आपको, तो इंसान नेचुरली अच्छा है, क्योंकि एक्टिंग नहीं कर सकते ना, मैंने कहा एक्टिंग, एक्टिंग करके किसी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। तो अगर आप जैसा सोच रहे हैं, मतलब गाली निकालते हैं, अनसिविलाइज्ड में भी बात करते हैं, असभ्य तरीके से बात करते हैं, और फिर आप सर के सामने जाके यूं कर रहे हैं, तो सर को बेटा बहुत समझदार है, बहुत बड़े, या अपने दोस्त को जाके जरूरत पड़ने पे ऐसे कर रहे हैं, सब जानता हूं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि आप लगातार बेवकूफ होते से रहे, अचानक अपने आप को महात्मा की तरह शो करना चाह रहे हैं, बावला नहीं अगला, बेवकूफ नहीं बेटा, बेवकूफ नहीं है, आप जैसा सोचोगे ना वैसा ही दिखने भी लग जाओगे, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे तो सही, लेकिन वैसे दिखने भी लग जाओगे आपकी जो आपका जो कमीनापन है बेटा वो आपके चेहरे पे आ जाएगा, आपकी बॉडी पे आ जाएगा, आपकी जो अच्छाई है ना वो भी आपके चेहरे पे आ जाएगी, आपके बॉडी पे आ जाएगी, वैसे ही दिखने लग जाओगे, क्योंकि जैसा सोचता है ना वैसे ही बॉडी रिएक्ट करती है। एक बच्चा आता है उसके चेहरे पे तेज होता है, बहुत तगड़े वाला, बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ी बड़े सपने होते हैं, लेकिन वो दोस्त के साथ रह रहे के मोबाइल ले लेके पढ़ा रहता है या और कोई गलत चीजें देखना शुरू करता है, उसका चेहरा वैसे हो जाता है, दो महीने बाद उसको मैं उस बच्चे को देख के बता दूंगा किस दिशा में जा रहा हूं, मैं बताता हूं लेकिन बच्चे को नहीं बताता हूं, ऐसे किसी को देख के आइडिया लग जाता है कि ये बच्चा कैसा है, शक्ल देखते ही पहली बार में आइडिया लग जाता है कि बच्चा या बच्ची किस नेचर की है, लेकिन बीइंग ए टीचर मैं एक्सपोज नहीं कर सकता उसको, मेरी कुछ मर्यादा है, कुछ सीमाएं है, मैं बता नहीं, लेकिन देखते पता लग जाता है कि क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो गया बेटा, आपके जन्म से पहले पढ़ाना चालू कर दिया था, तो बाई फेस ये पता लग जाता है कि बच्चा किस दिशा में जा रहा है। कई बार प्रिंसिपल साहब को मैं बता देता हूं, कई बार प्रिंसिपल साहब मेरे को बता देते हैं, लेकिन हम दोनों की सीमाएं हैं, हम किसी और को नहीं बता सकते, हम कोशिश करते हैं बच्चा सही दिशा में आए, सही लाइन पे आए, उसके लिए भरपूर प्रयास करते हैं, इनडायरेक्टली उसको समझाने की कोशिश करते हैं, जरूरत पड़े तो डायरेक्टली भी समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं बेटा वैसा ही आपका बॉडी ओरा निकालता है, एक इनविजिबल रेज निकलती है, अदृश्य किरणें निकलती है जिनको ओरा कहते हैं, और ओरा वही निकलेगी जैसा आपके विचार, जैसे आपका सोच है वैसी है,
जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, कई बार कई बच्चे तो रिपीट होगा कईयों के लिए। कहते एक व्यक्ति होता है, उसको सजाए मौत दी जाती है किसी अपराध के लिए, उसको बांध देते हैं। कुछ बच्चों को याद हो गया सर, कौन सी बताएंगे, ऐसे बांध देते हैं। वहां का जो जेलर होता है उसने फैसला किया कि मौत तो देनी है, सजा तो देनी है, फांसी लगानी है या फांसी की सजा थी उसको, फांसी तो देनी है, क्यों ना इसको मारना ही है, तो यहां कोई देख तो रहा नहीं, इसको यूं करते हैं कोबरा से दसवा देते, सांप से दसवा देते। तो बेचारा ऐसे बंधा हुआ था, फांसी उसको देनी, थोड़ी देर फांसी का टाइम हो रहा था, तो वो लोग ना उन्होंने कोबरा मंगवाया, सांप मंगाया बहुत खतरनाक वाला, और लाके ना उस सांप को ऐसे बास्केट में दाओ, टोकरी में, छाबड़ी में, गांव में छाबड़ी बोलते हैं उसको, उसको ऐसे ओपन किया, खतरनाक वाला सांप फुफकार। अब बेचारा वो केपी था ना, उसने ऐसे बंधा हुआ, वो उसने जब देखा तो उसने अपने आंखें डर से बंद कर ली। उन्होंने क्या किया, वापस बास्केट को बंद किया चुपके से और दो आलपिन लाके उसके चुभो दिए, मर गया वो, मर गया वो। अब आप में से सोच रहे होंगे आलपिन के जहर लगाया हुआ था, है ना, कुछ नहीं था, दो सिंपली दो आलपिन चुभो दी उसको और वो खत्म हो गया। इतना ही नहीं, जब उसका पोस्टमार्टम किया गया, कोबरा का जहर था बॉडी में, सांप का जहर था। कोई बताएगा क्यों? पुराने बच्चों में से नहीं बताएगा, लेकिन क्योंकि उनके लिए तो कहानी पहले बताई हुई है। कोई बताएगा उसके कोबरा का जहर बॉडी में क्यों मिला नए बच्चों में से, बता। क्योंकि उसने सोच लिया था कि तूने कहां सुनाई, मम्मी को किसने सुना दिया, पापा ने, और पापा को मैंने, बजाओ तालियां उसके लिए जोरदार। ये मेरे छोटे भाई मनोज जी मीना का बच्चा है, हम दोनों ने कई टाइम जो है ना हम साथ साथ रहे, तो कोई बढ़ जा फिर भी तूने जो है ना इज्जत बचा ली नए बच्चों की, क्योंकि उस आदमी ने उस कैदी ने सोचा कि मुझे सांप ने ही काटा है। हमारी बॉडी में बेटा इतनी रिएक्शन चलती है, जानते हो कितनी, दुनिया की हजारों लेबोरेटरीज में जितना रिएक्शन नहीं चलता ना, उसका कई गुना हमारी बॉडी में रिएक्शन चलते हैं। हमारी बॉडी में कैटलिस्ट भी होता है, कोई जानता है बॉडी में कैटलिस्ट कौन होता है, उत्प्रेरक कौन होता है, एंजाइम्स। एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच कैटलाइज बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। बहुत अभिक्रिया चलती है, बहुत सारे रिएक्शन चलती है, तो उस आदमी ने जैसा सोचा ना उसकी बॉडी माइंड ने, वैसे ही बॉडी ने रिएक्शन करना शुरू कर दिया, वो वाले केमिकल को रिएक्शन करा दिया जिससे बॉडी में कोबरे का जहर बन जाए, कोबरा का जहर बन जाए। जहर दिया नहीं था उसको, केवल उसकी सोच ने ही ऑटोमेटिकली रिएक्शन को एक्टिवेट कर दिया और उससे सांप के जहर जैसा केमिकल बॉडी में ऑटोमेटिक बन गया। एक रिसर्च है बेटा, हम जैसा सोचते हैं बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। हम जिस तरह की लोगों में रहते हैं, जैसे लोगों में रहते हैं वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं। छोटे लोगों में रहते हैं छोटी छोटी बातें करते हैं,